अब स्टडी करते हैं फ्लावर के फीमेल पार्ट को, जिसको हम गाइनोशियम या कार्पल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्पल जो है वो सिर्फ एक है, राइट। एक का मतलब है ये कार्पल क्या कह रहा है, मोनो कार्पल। सबसे पहले मैं आपको फीमेल पार्ट के पार्ट्स बता देती हूँ। गाइनोशियम में कितने पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला कहलाता है स्टिग्मा, पार्ट ऑफ फ्लावर का इसको कहते हैं ओवरी, जिससे आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके कार्पल जो हैं वो सिर्फ एक है, इसलिए वर्ड यूज होगा मोनो। एक के मतलब है एक के लिए आप यूज करोगे टर्म मोनो और कार्पल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि ये फ्लावर के तमाम पार्ट से ये ऊपर है, थैलेमस से आप देख सकते हैं ये ऊपर निकला हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं इसकी ओवरी सुपीरियर है। आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया था फ्लावर का, जब हमने डिस्कस किया था उसमें बताया था फ्लावर क्या है, हाइपोगाइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी गाइनोशियम की बात करेंगे तो लिखेंगे ओवरी सुपीरियर, ठीक। नेक्स्ट टर्म है, जब भी फ्लावर जो है मोनोकार्पल भी कहलाता है तो ये इसका मतलब है उसके अंदर ओव्यूल के चांसेस होते हैं कि वो एक हो, ठीक है। लॉक्यूल जो है वो एक हो, जब भी एक चैम्बर हो गया तो इसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं यूनिलॉक्यूल का मतलब वन, और लॉक्यूल का मतलब क्या है, चैम्बर से बात है, ठीक है। तो एक चैम्बर होगा तो इसका मतलब है एक जो है आप लिखेंगे यूनिलॉक्यूलर, जिसको मैं अभी आपको कार्ड के स्लाइड दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि जो ओवरी कट करने के बाद आप देखेंगे उसके अंदर सिर्फ एक चैम्बर होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे इसका जो स्टिग्मा है वो बिल्कुल सिंपल सा है और ऊपर से ये कर्व है,